रेज टू द पावर फोर को कॉमन ले लीजिए, एक्स रेज टू द पावर फोर को कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये एक्स रेज टू द पावर फोर कॉमन लेंगे तो ये वन माइनस एल एन एक्स, इसको ऐसे रहने दीजिए, एक्स रेज टू द पावर फोर कॉमन लिया, इसका मतलब क्या है एल एन एक्स रेज टू द पावर फोर, एल एन एक्स रेज टू द पावर फोर, तो क्या हो जाएगा यहां ब्रैकेट में एल एन एक्स डिवाइड बाई एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस वन, क्लियर है, और ये डी एक्स हो गया, ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब है एल एन एक्स अपॉन एक्स को टी मानिए, को क्या मानिए टी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वन अपॉन एक्स माइनस एल एन एक्स और एक्स का वन, तो एल एन एक्स हो जाएगा और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है, और डी एक्स डी टी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है हमारे पास वन माइनस एल एन एक्स, वन माइनस एल एन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जा रहा है डी टी, क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है, वन माइनस एल एन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर बच गया ना, क्लियर है, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पूरा किसके बराबर आ जाएगा डी टी, ये किसके बराबर आ जाएगा डी टी, ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, वन माइनस का एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अब क्या हो जाएगा ये, इसको क्या लिख लेंगे हम डी टी अपॉन, ये पूरा तो डी टी आ गया और नीचे क्या आ गया टी रेज टू द पावर फोर माइनस वन, यहां पे भी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी ये भी यहां पे भी ये भी मेथड आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप का अगर फॉर्म आ जाता है तो कैसे करना है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको पता होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो डी टी अपॉन इसको क्या लिख लेते हैं हम टी स्क्वायर प्लस वन, और इसको क्या लिख लेते हैं टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। फिर क्या करना है यहाँ पे वन अपॉन टू, टू डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन और टी स्क्वायर माइनस फोर, क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए कैसे करेंगे इसे, वन अपॉन टू, टू को ऐसा कर लेते हैं हम टी स्क्वायर प्लस वन और टी स्क्वायर प्लस वन, रुकिए 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 रुकिए, टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, टू ऊपर आएगा नहीं आएगा, और इधर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन और टी स्क्वायर माइनस वन डी टी, क्लियर है। अब हर एक टर्म से नीचे डिवाइड करोगे तो क्या क्या बच जाएगा, पहला वाला टर्म क्या बच जाएगा वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन या डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन और माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, हाँ सही बोला था, क्या आ जाएगा वन अपॉन टू बाहर ही रहने दीजिए और अंदर क्या आ जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, पहले ये था, फिर क्या आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन टू, आ रहा समझ में, और यहां पे क्या आ जाएगा वन अपॉन टू ए की जगह वन है लॉग, मतलब एल एन बेस ही है एल एन
क्या आ जाएगा, टी माइनस वन, और टी क्या है हमारा, एल एन एक्स अपॉन एक्स। तो एल एन एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। रुकिए 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 रुकिए, ऐसे नहीं, टी माइनस वन ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, एल एन एक्स अपॉन एक्स माइनस वन और डिवाइड बाई एल एन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। क्लियर है, होगा नहीं होगा। फिर माइनस, ये क्या है, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स टी, टी मतलब एल एन एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। यहां पर ब्रैकेट लगा लेना है हाफ, क्योंकि हाफ सब में मल्टीप्लाई है ना, तो क्या हो जाएगा ये वन बाई फोर। आंसर कैसे मैं दे रखा है देख, चेक करें, एल एन एक्स माइनस एक्स में दे रखा है, हालांकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मॉड में होना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, आंसर उसने जैसे दे रखा है उसी हिसाब से चलिए। तो क्या हो जाएगा ये वन बाई फोर एल एन, और इधर क्या आ जाएगा ब्रैकेट के हिसाब से चलिए, एल एन एक्स माइनस एक्स और डिवाइड बाई एल एन एक्स प्लस एक्स। एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे सेम है। क्लियर है, और माइनस वन अपॉन टू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, एल एन एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। ये बी में ही आ रहा है सर, तो बी आंसर सही है। क्लियर है।